गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपकी 9th का चैप्टर है। ये पूरा चैप्टर इसी एक डायग्राम में समाहित है। देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, इन दोनों को बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये बोलते हैं वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिकॉज क्योंकि दोनों की दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो जहाँ पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को मिलती है, उस मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ओके फ्रेंड्स, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अपने पास दो पॉइंट्स, एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इन सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स जो होता है वो नेगेटिव, और वाई जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इन थर्ड क्वाड्रेंट एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। जैसा कि मैंने बोला कि एक्स और वाई दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है जीरो से बड़ी वैल्यू। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि जो एक्स है वो जीरो से बड़ा होगा, और वाई जो है वो भी क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। इन सेकेंड क्वाड्रेंट में अपन ने बात करी कि एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है, इसका मतलब एक्स जीरो से छोटा है और वाई जीरो से बड़ा है। नेगेटिव का मतलब जीरो से छोटा है, तो मैंने लिख दिया एक्स लेस देन जीरो, और वाई पॉजिटिव का मतलब जीरो से बड़ा है, तो वाई ग्रेटर देन जीरो। इन थर्ड क्वाड्रेंट दोनों के दोनों नेगेटिव, इसका मतलब एक्स जीरो से छोटा और वाई जीरो से छोटा होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स जीरो से बड़ा है, और वाई नेगेटिव, इसका मतलब वाई जीरो से छोटा है। ओके फ्रेंड, अब अपन बात करते हैं ऑन एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब अपन इधर की तरफ बढ़ेंगे तो मुझे यहाँ पर वाई कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो इस एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई जीरो रहेगा। तो अपन कोई भी पॉइंट अगर एक्सिस पे लेते हैं, जैसे मैंने पॉइंट ए लिया है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, एक्स कोमा जीरो, क्योंकि यहाँ पर हमेशा मुझे एक्स ही मिलेगा, वाई कभी नहीं मिलेगा। और अगर मैं नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाता हूँ तो मुझे मिलेगा माइनस एक्स कोमा जीरो, क्योंकि इधर एक्स क्या होता है, नेगेटिव। ऐसे अगर अपन बात करते हैं ऑन पॉजिटिव एक्सिस, तो मुझे हमेशा यहाँ पर वाई मिलेगा, एक्स कभी नहीं मिल सकता। इसका मतलब यहाँ पर एक्स हमेशा क्या होता है, जीरो, क्योंकि अपन लिखते वक्त याद रखेंगे हमेशा एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 0,y। और इसी प्रकार अगर मैं बिलो द एक्सिस जाते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस पर हमेशा हमेशा नेगेटिव वाई मिलेगा, एक्स कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 0,-y। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, अगर अपन ने इस प्लेन में किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी पॉइंट लिया है, जैसे मैंने लिया पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होंगे, एक्स कोमा वाई, तो इस पॉइंट का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या कहलाता है, x कोऑर्डिनेट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम y एक्सिस इज ऑलवेज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम x एक्सिस इज ऑलवेज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। दैट मीन्स कोई भी पॉइंट अगर आप प्लेन में लेंगे, तो उसका y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा x कोऑर्डिनेट बनेगा, और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या बनेगा, y कोऑर्डिनेट बनेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर अपन इस पॉइंट को इधर लेते हैं, तो यहाँ पर बनेगा माइनस एक्स और प्लस वाई। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ लेता हूँ, तो बनेगा माइनस वाई माइनस एक्स। अगर मैं ये पॉइंट को यहाँ लेता हूँ, तो ये बनेगा माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स, और ये बनेगा माइनस वाई। तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में आप इसको ले सकते हैं, पर मेन चीज़ ये है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स एंड एक्स कोऑर्डिनेट, एंड फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट। वो डिपेंड करता है आपने उसको किस क्वाड्रेंट में लिया हुआ है। ओके फ्रेंड, अच्छा एक और चीज, एक्स कोऑर्डिनेट को अपन बोलते हैं एप्सिसा, और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को साथ में बोला जाता है कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन में कई बार बोला जाता है एक्सेस, एक्सेस वर्ड का मीनिंग होता है वो दोनों एक्सिस की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर वो एक्सिस बोलता है, इसका मतलब केवल या तो एक्स की बात कर रहा है या केवल y की बात कर रहा है, लेकिन अगर वो एक्सिस बोलता है, इसका मतलब वो दोनों एक्सिस की बात कर रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन ने यहाँ पर लिखे, ऑन x एक्सिस द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू जीरो, सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस इज a कोमा जीरो या माइनस a कोमा, ये जनरल बात कर रहे हैं अपन, कोई भी पॉइंट अपन ले सकते हैं a जीरो या माइनस a कोमा जीरो। ऑन y एक्सिस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0,a या 0,-a। x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एप्सिसा, y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, एंड मीटिंग पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगुलर एक्सिस इज कॉल्ड
ओरिजिन, और इसके बाद अपन आगे और बात करेंगे अभी।